हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक पुनर। जैसे कि आपने शुरुआत में देखा, ठीक वैसे ही मैं आज आपको AOD मतलब कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के ऊपर बिटमोजी एप्लीकेशन किस तरह से यूज़ करते हैं। रियलमी UI 4.0 का ये नया फीचर है। तो मेरे पास नार्जो 50 प्रो 5G फ़ोन है, एंड्रॉयड 13 और रियलमी UI 4.0 अपडेटेड है। तो अगर आपका AOD मतलब कि आपका एमोलेड स्क्रीन है तो आप में भी ये फीचर आ जाएगा। अगर आपके पास रियलमी या फिर ओप्पो फोन है तो सेटिंग के अंदर जाइए सबसे पहले आप, फिर वॉलपेपर एंड स्टाइल। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मैं पहली बार आपके सामने ही दिखाऊंगा डायरेक्ट डेमो, मैंने कुछ भी अभी इनेबल नहीं किया है। उसके बाद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, आप देख सकते हो कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑफ है तो मैं अभी ऑन करूँगा। तो इधर तो बहुत सारे दिया गया है, आपने तो ये सारे देखा है, लेकिन बिटमोजी ये जो पर्सनलाइज्ड वर्जन में दिया गया है इसको किस तरह से यूज़ करें। सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, फिर आप देखोगे कि बिटमोजी इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है आपको, तब सिंपली इसको इंस्टॉल कर दीजिए। पहली बार है तो ये देखिए इंस्टॉल हो चुका है। अभी मैं ओपन करूँगा, डायरेक्ट दिखाऊंगा आपको। देखिए क्रिएट अवतार, तो अभी मैं क्रिएट अवतार क्रिएट करूँगा। आप आपका डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हो, नहीं डाल सकते, आपकी मर्जी भाई। फिर आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर आपका ईमेल एड्रेस पूछेगा। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आपको बस लॉगिन करना है, अगर नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। तो मैं अभी इसमें लॉगिन करूँगा, कोई भी एक ईमेल डाल दीजिएगा आप, फिर कंटिन्यू। फिर आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा, कोई भी 6 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। तो मैं अभी पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने एक पासवर्ड क्रिएट कर लिया है, अभी मैं साइन अप करूँगा। फिर आपको जो है सिलेक्ट करना होगा कि अगर आप लड़की हो या फिर लड़के हो तो आपको वही सिलेक्ट करना है। उसके बाद देख सकते हो कि स्टार्ट विथ ए सेल्फी, तो आपको एक सेल्फी लेना है या फिर आप स्किप भी कर सकते हो। तो मैं अभी इसको स्किप कर देता हूँ, सेल्फी लेने का मूड नहीं है अभी, मैं क्रिएट करूँगा एक्चुअली। तो स्किन टोन वगैरह है, अगर आपको ये आसानी से करना है तो आपको सेल्फी लेके अभी आप कर सकते हो। फिर आपके हिसाब से जो करेक्टर है, आप कलर किस तरह से करना चाहते हो वो आप क्रिएट कर पाओगे। खैर मैंने फटाफट एक रेडी किया है, आप चाहे तो बहुत ही टाइम लगा के कर सकते हो, बहुत ऑप्शन है आप जैसे कर सकते हो। जैसे आप फेसबुक में व्हाट्सएप में अवतार यूज़ करते हो ठीक वैसे ही है। फिर सेव अवतार के ऊपर क्लिक कर दीजिए आप। अगर आपको इनका कीबोर्ड यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी। स्टिकर के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको इधर ऑप्शन दिखाएगा स्टिकर्स का, मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले जो एक ईमेल आया है, इधर आपको वेरीफाई करना होगा आपका बिटमोजी अकाउंट का, वेरीफाई कर दीजिए। मैं आपको बोलना चाहूँगा किस प्रकार से। इसके ऊपर आप सिंपली वेरीफाई ईमेल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, फिर देख सकते हैं कि वेरीफाई हो रहा है और ये आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। बहुत ही सिंपल है। फिर वापस आ जाइए आप बिटमोजी एप्लीकेशन में। वेरीफाई करने के बाद आप सारे स्टिकर्स आप देख सकते हो कि आपके अवतार जो आपने सेट किया था वो इधर आ चुका है। आप जो है क्लिक करके भी देख सकते हो इस टाइप का, अगर आपको सेव शेयर करना है व्हाट्सएप वगैरह में इसमें तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन हमारा जो काम था वो है एक्चुअली सेटिंग के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो भी बिटमोजी आ चुका है, ये वाला सेट है। लेकिन आप इस मोबाइल डेटा के ऊपर क्लिक करके अप्लाई कर दीजिए, फिर क्या होगा मैं आपको दिखाऊंगा आगे, कि ये जो है ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ये जो अवतार है ऑटोमेटिक चेंज होएगा, स्टिकर डाउनलोड हो रहा है आप देख सकते हैं, ऑटोमेटिकली चेंज बेस्ड ऑन एक्टिविटीज ऑन योर डिवाइस। तो आप बस अप्लाई कर दीजिए, फिर ऑटोमेटिक ये जो है चेंज होने लगेगा। फिर आप पावर सेविंग मोड या फिर ऑल डे, मतलब कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आप हर वक्त चाहते हैं तो ऑल डे स्केड्यूल करना चाहते हैं कि कोई पार्टिकुलर टाइम पे हो तो वो भी आप स्केड्यूल कर सकते हो, टाइमर की वगैरह। या फिर आपको अगर पावर सेविंग चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो। मैं ऑल डे करना चाहूँगा, अगर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले क्या मतलब ही क्या है अगर ऑल डे नहीं चाहिए तो। फिर इस टाइप का आप देख सकते हो, जैसे ही आप लॉक पे लगाओगे तो आपका बीट मुझे देखिए आ चुका है और ये चेंज होगा, ऑटोमेटिक चेंज होगा, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ इसी प्रकार से आप बिटमोजी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके AOD में ला सकते हैं आपका खुद का। अगर आपके फ़ोन में एमोलेड है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, और एक फंक्शन है रियलमी UI 4.0 का तो आप यूज़ कर सकते हो बिटमोजी इन रियलमी UI 4.0। एमोलेड फ़ोन है तो इसमें ये आ जाएगा। कि बिटमोजी सिर्फ उसी के लिए ही यूज़ क्यों करना, तो अगर आप बिटमोजी को चाहते हैं कि व्हाट्सएप में भी आ जाए तो आप बिटमोजी को ओपन कीजिए। इस स्टिकर सबको चाहिए तो आप कीबोर्ड को टर्न ऑन कर दीजिए। ये जो कीबोर्ड है इसको आपको टर्न ऑन करना पड़ेगा। इधर मेरा जीबोर्ड है तो अभी मुझे इसको बिटमोजी में एनेबल करना होगा, एक्टिवेट करना होगा। और फिर आप क्या कीजिएगा, स्विच कीबोर्ड, फिर बिटमोजी। अभी जो है आप बिटमोजी में भी वो सारे स्टिकर्स जो है व्हाट्सएप में मैसेंजर में यूज़ कर पाओ। क्या आप देख सकते हो कि मैंने व्हाट्सएप ओपन किया है और जो बिटमोजी का कीबोर्ड है वो भी आ चुका है। तो इधर से आप टाइप वगैरह तो कर ही सकते हो, और जो
आप स्टिकर देख सकते हो कि वो GI फॉर्म में जाएगा, तो सिंपली आप इधर से वो स्टिकर आपको भेजना है व्हाट्सएप वगैरह में, इधर से आप एक्सेस कर पाओगे इस टाइप का देख सकते हो। आपको बिटमोजी कीबोर्ड में भी चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो, अगर आपको नहीं चाहिए वापस जैसा था वैसा करना है तो आप स्विच कर दीजिए, आप वापस जीबोर्ड में आ जाइए, फिर जीबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हो। बिटमोजी सिर्फ अगर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में ही चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हो कि इधर चेंजेस हो चुका है,